हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल किरण्स क्विजीन किचन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ रोस्टेड पोहा चिवड़ा या फिर नायलॉन पोहा चिवड़ा। इसमें आपको पोहे को बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही हेल्दी डिश है ये। तो चलते हैं किचन में और जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोटी कढ़ाई जो है रख दी है गर्म होने के लिए, मीन्स इसका जो पैंदा है वो काफ़ी मोटा है। और बड़ी कढ़ाई लेनी है साइज़ में आपको। और मैंने यहाँ पे 1/2 kg पोहा लिया है, ये नॉर्मल पोहा है। और इसे आपको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे ही इसको सेकना है, और जब तक ये एकदम से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो देखिए ये क्रिस्पी हो गया है, तो इसे मुझे 12 मिनट्स लगे हैं। अगर आपके यहाँ अच्छी खासी धूप आती है तो आप इसे धूप में रखिए 2 घंटे के लिए, तो फिर ये 7 to 8 मिनट में ही सिक जाएगा। तो सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून ऑयल जो है वो रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही वो गर्म होता है उसमें मैंने डाल दिया है ग्राउंडनट, और उसे हमें हल्का फ्राई करना है। और जैसे ही ये फ्राई हो जाता है उसको हम निकाल लेंगे। तो अब वापस मैं डाल रही हूँ इसमें आमंड्स, और जो आमंड्स है जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। आप चाहे तो पूरे के पूरे पीसेस भी डाल सकते हैं, बट अगर आप कट करके डालेंगे तो हर बाइट में आपको आमंड का पीस आएगा। तो अगेन अब मैं इसमें डाल रही हूँ रफली चॉप्ड कैश्यू नट काजू, जिसको हमें बहुत हल्का फ्राई करना है। इसका जो कलर है बहुत ही स्लाइटली चेंज होना चाहिए, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेजन्स किशमिश। तो जैसे ही किशमिश जो है फूल जाती है उसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज हो जाता है, इसे भी निकाल ले, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और अब डाल दें आप सूखा नारियल, जो नारियल का गोटा आता है उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे भी फ्राई नहीं करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब ये जो ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसका जो ऑयल है वो निकाल रही हूँ। हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। तो अभी भी जो ऑयल है वो काफ़ी गर्म है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। तो यहाँ पे मैंने 1 teaspoon जीरा डाला है। जैसे ही जीरा सिक जाता है उसमें मैंने डाला है 1/4 cup दालिया, जो हम कोकोनट चटनी में भी डालते हैं, 1/4 teaspoon हींग। इन सभी को थोड़ी देर के लिए सॉटे कर ले 10 से 12 सेकेंड। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 15 से 20 कड़ी पत्ते करी लीव्स, और इसे भी हम फूलने देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है पॉपी सीड्स 1 टेबल स्पून, आप इसे खसखस भी बोल सकते हैं। तो बस हार्डली 10 सेकेंड इसको सेकना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 6 हरी मिर्च है जिसको मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी आप 15 से 20 सेकेंड के लिए सेक ले। उसके बाद हम डालेंगे इसमें टर्मरिक पाउडर हल्दी 1/2 teaspoon, उसको भी हम 15 से 20 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे 1/2 teaspoon सॉल्ट या फिर एज पर टेस्ट। अब जो हमने पोहा सेक के रखा था उसे डाल देते हैं। मेक श्योर कि आप जो कढ़ाई है वो बड़ी ले, ताकि आप मिक्स अच्छे से कर पाए और जो पोहा है वो टूटे नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा पोहा है उसका कलर जो है काफ़ी अच्छा आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून पीसी हुई शुगर। उसके अलावा जो हमने ड्राई फ्रूट्स और पीनट्स को फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिए हैं। और 1/2 teaspoon ये है चाट मसाला। तो ये जो पीनट्स और ये जो हमने सब चीज़ें फ्राई करके रखी थी साइड में, तो आपको उसको जाली में रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो गैस का फ्लेम रहेगा वो एकदम स्लो ही रखना है। और ये सारी चीज़ें आप डालने के बाद एटलीस्ट आपको 2 मिनट के लिए और इसे सेकना है, और फिर गैस बंद कर दे और एक डब्बे में भर ले। पूरा ठंडा होने के बाद ही इसे आप ढक्कन लगाएं। तो हमारा ये चिवड़ा बनके रेडी हो गया, इसे मैंने सर्व कर दिया है। लग रहा है ना एकदम टेस्टी और ऑसम। तो आप ये रेसिपी जो है इस दिवाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको जो रेसिपी है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले। तो मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी कुकिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली।